नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे वरिष्ठ एवं कद्दावर नेता जिन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली, बल्कि इन्होंने डगर डगर एक एक पग ठोकरों के साथ रख कर राजनीति में अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाया कि आज जनता उनके लिए जो प्यार है वो लुटाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें प्यार से प्रदेश की जनता मामा और भैया कहकर पुकारती है, आज वे शिवराज सिंह चौहान पूरे 65 साल के हो गए हैं। शिवराज आज अपना 65वां जन्मदिन मना रहे हैं। शिवराज के जन्मदिन पर उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। प्रदेश की जनता के बीच खुशी की लहर देखने के लिए मिल रही है। सोशल मीडिया पर इस प्यार को कहीं ना कहीं समेटते हुए शिवराज सिंह चौहान भावुक होते हुए भी नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन के मौके पर आयोजन भी किया। इस दौरान देखने के लिए मिला कि उन्हें देश भर से जन्मदिन की बधाइयां मिलती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ ने भी शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन की बधाई दी। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए शिवराज सिंह चौहान के 65वें जन्मदिन के मौके पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी एवं ईश्वर से उनकी दीर्घ आयु एवं स्वस्थ जीवन की कामना। इस ट्वीट पर शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रतिक्रिया देते हुए उनका धन्यवाद किया। तो देखने के लिए मिला कि ये राजनीति है। राजनीति में भले ही नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हो करते हो, लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं जिनमें ये नेता भी अपनी राजनीतिक जो मतभेद हैं उन्हें भूलकर उनकी खुशियों में शामिल होते हुए नजर आते हैं। शिवराज सिंह चौहान के 65वें जन्मदिन के मौके पर उन्हें बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नितिन गडकरी, भजन लाल शर्मा, दिया कुमार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज नेता लगातार शिवराज सिंह चौहान को उनके जन्मदिन की बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जो पहली सूची है 195 उम्मीदवारों की जिसे जारी किया गया है, यहां पर इस सूची में शिवराज सिंह चौहान को भी टिकट दिया गया है। बता दें कि विदिशा से शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के लिए ये जन्मदिन और ज्यादा खास है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर प्रदेश की जनता हमेशा से चाहती थी कि वे मुख्यमंत्री के तौर पर काम करें, लेकिन जैसा कि शिवराज कहते हैं कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वे उसे बखूबी निभाएंगे। अब ऐसे में देखना होगा लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान क्या एक बार फिर से जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।